आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं बाडरा विधानसभा क्षेत्र के गांव धनासरी में, और आज जमीन खरीद फरोख्त का मामला है, और जमीन भी मंदबुद्धि, जिसको दिमाग नहीं होता। तो जब से एक्ट कानून बना है, तो उसमें एक प्रोविजन है, एक एक्ट बनाया गया था कि मंदबुद्धि की ज़मीन ना तो कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना उतरवा सकता है। लेकिन एक ये मंदबुद्धि के साथ है इस तरीके से धोखाधड़ी, और वो भी अपनी विधानसभा से, अपनी तहसील से बाहर, जिले की तहसील में एक एग्रीमेंट वगैरह बनवाना, उनके नाम संबंध भिजवाना, एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। तो उनके मेरे साथ बेटा बैठा हुआ है, और उनके ससुर हैं, और उनकी ननद हैं, और उनके परिवार के और भी मेरे साथ सदस्य मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आखिर कितनी एकड़ ज़मीन थी, और किस तरीके से ये मामला बढ़ा, और किस तरीके से ज़मीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है, और एक मंदबुद्धि के नाम कोर्ट से संबंध भिजवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके बेटे हैं, इनसे जानूंगा। जी, नाम बताइए। प्रवीण कुमार है जी, सनोप से राजेंद्र सिंह, गांव धनासरी। ये मेरी माँ, ये मंदबुद्धि है, किसकंदा गांव में कुलदीप सनोप सुखानंद, विजय मास्टर सनोप सुखानंद, उन्होंने मेरी माँ का गुट्ठा करा लिया, हथनाल रसील में ले जाकर 18 लाख रुपये दिया। रख बताऊँ सही, या मेरी माँ बैठी। ठीक है, माता जी आपकी कितने साल से दवाई चल रही है? ये 2001 से चल रही है, उससे पहले रोहतक से चल रही है जी। उससे पहले रोहतक से, यानी कि 30-35 साल है। तो आपको पता है मंदबुद्धि की ज़मीन इस तरीके से नहीं चढ़ाई जा सकती, ना उतरवाई जा सकती है। फिर ये मामला मतलब समझ में नहीं आया किस तरीके से। ये बड़ा भाई सुनील है, सनोप राजेंद्र सिंह, वो शराब पीता, उन्हें घर रखता है वो, उन्होंने उसको शराब पिला के मेरी माँ को उठा ले गए वो, और हमारे में तो ये संबंध आया जब पता चला भाई यूं यूं करा रखा है इन्होंने ज़मीन के ऊपर धोखाधड़ी। आपके माता जी समझती हैं या खाना वाना बना लेती हैं या किस तरीके? नहीं जी, मैं बना के खिलाता हूँ। हाँ जी, तो ये इनकी माता जी हैं, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये बतेरी देवी हैं, इनके पिताजी गुजर चुके हैं काफ़ी दिन पहले। पिताजी कितने साल पहले गुजर? 1997 में जी, यानी कि 23-24 साल पहले इनके पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं। माताजी जब उससे पहले से ही दवाइयाँ ले रही हैं, और माताजी को खाना बना के खिलाते हुए खा लेती हैं, और माताजी अगर सोना चाहे तो सो जाती, नहीं तो दो दो दिन तक सोती नहीं है, कहीं निकल जाती हैं ये ढूंढ के, देख के लेके आते हैं। ये जो जमीन का लफड़ा हुआ ही है, नहीं चला माता जी को ले जाया जा रहा है, माता जी को तो नहीं पता ये मंदबुद्धि है, तो किस तरीके से? बीच का भाई फौज में नौकरी करता जी, मैं ट्रैक्टर मजदूरी करता हूँ, घर पर अकेली थी, वो शराब भी उसको उठा लेगा घर से उनके साथ मिलकर। तो माता जी ने वहाँ कुछ आपको बताया घर आके, थोड़ा बहुत दिमाग हो इनके, अग्नियो ले गए थे मेरे को इस तरीके? नहीं जी, कुछ नहीं बताया, आपके सामने बैठी पूछ रहे थे आप करा लो किसका कागज़ बताते, अब भी कर देगी तो पूछे भी नहीं किसका कागज ये। हाँ जी, के नाम से? मेठेरी नाम। हाँ जी, मेठेरी नाम से। अच्छा अच्छा, तो जो हाँ उस दिन तरवा किया। अच्छा, किसका तरवा दी? उधर मुठा दस करिया, मुठा करिया था ना, मत नहीं कही। तो खाना वाना खा लेती हो? आप बनाती हो क्या? बना ली हूँ। ये इनके माता जी हैं, तस्वीरों में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सके। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ये बता कुछ रही हैं, दवाई लगातार चल रही है, अभी नर्सिंग होम की काफ़ी दिखा दी, कहाँ से चली आपकी दवाई? ये जी सार की लंबा नर्सिंग होम से दवाई चल रही है जी। अच्छा, 2001 से चल रही है इस अस्पताल से। हाँ जी, ठीक है जी, आप बताइए क्या लगते हैं? मैं इनके चाचा जी का लड़का हूँ, परिवार में संबंध आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आया संबंध कैसे आ गए इनके नाम से, और ज़मीन पे कोई जैसे कह रहे हैं कब्जा करना चाह रहे हैं कुछ लोग हमारी पे, और वो कह रहे हैं पहले भी कुछ लोग। आपको एक्चुअली बात क्या है,
ये ट्रैक्टर रखता है, ये मजदूरी करता है, 24 घंटे घर पे नहीं रहता, सीजन का टाइम है तो सीजन में दो दो रात दिन बाहर रहना पड़ता है, ठीक है। इससे बड़ा भाई है वो है आर्मी में, ठीक है, वो कभी एक महीने छुट्टी आता है, पहले बच्चों के साथ भी रखता था वो, अभी बच्चे यहाँ छोड़ दे उसने 6 महीने से। तो उस दौरान इसका बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई सुनील, ठीक है, शराबी टाइप का है वो, आवारा है, ठीक है। तो मतलब वो उनके साथ ही रहता है, उनका ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है। शराब पी ली, झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, घर पे भाइयों के साथ कर ली, परिवार के साथ कर ली, मिसिज के साथ कर ली, मिसिज भी 3-4 साल से यहाँ नहीं है, ठीक है। तो उसने पीछे से ताई को लेके गया, उनके साथ मिली भगत करके धोखा, उनको ये पता था कि भाई मेंटली डिसऑर्डर है और ये शराबी प्रवृत्ति का इंसान है, ठीक है। तो एक लोभ लालच वाली बात थी इसमें, ठीक है। तो वो ले गए, इसको ले जाने के बाद करवा लिया पीछे से, भाई 18 लाख लिखवा लिए, 20 लिखवा लिए, ये 12 मरला मतलब 12 कनाल जमीन का करवा रखा है इन्होंने, ठीक है। वो भी इन्होंने बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं करवाया, बाड़ा तहसील में नहीं करवाया, इन्होंने जाके अदरमेंद्र डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पे साठ गांठ करके किसी के साथ जो कुछ भी करके उन्होंने करवा लिया, ठीक है। उसके बाद अभी इन्होंने मतलब जैसे ज़मीन उतरवा ली, इन्होंने अपने लड़कों के नाम ज़मीन करवा दी, जो कुछ भी कर दिया, जो एक प्रोसेस होता है कानून का उसके अनुसार, ठीक है। उनको तब पता चला कि ज़मीन उतरवा ली, तो तुम्हारे हाथ कुछ माता जी ने ज़मीन उतरवाई उतरवा दी, हाँ। तो उसमें जैसे सरपंच का इनके एफिडेविट कई सिस्टम हाँ लिए होंगे, क्यों मतबुद्धि के डायरेक्ट नहीं कर सकते वो, तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी एंड ऑर्डर के हिसाब से, जो भी एक जो सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से सरपंच का जो उसमें रोल होता है, तहसीलदार ने जो भैया गाइड कन्वेंस किया, इनको भी इस तरह करके मैं उतरवा सकता हूँ, ताकि मैं कोई लीगल का काम नहीं करूँगा, लीगल कार्रवाई कर सकता हूँ मैं, उसके अनुसार उन्होंने करवा दिया, ठीक है। उनको इस बात का पता चला कि ज़मीन उनके लड़कों के नाम से लेगी तो हमारे कुछ हाथ नहीं लगेगा, वह ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया, इनके ऊपर केस डाल दिया, नोटिस डाल दिया, जो एक वो एग्रीमेंट वगैरह जो करवा रखा था उस पर, ठीक है। तो नोटिस किस वजह से, क्यों डाला नोटिस, मतलब वो इनसे इनसे क्या चाहते हैं, जो मंदबुद्धि है, जो पागल है, जिसको दिमाग नहीं है, जिसकी ये नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप बता रहे हो रात को खड़ी हो जाती है, ताली बजाने लग जाती है, कहीं भी निकल जाती है, तो हाँ, तो इसको लेके इसके ऊपर क्या मतलब संबंध, मतलब क्यों इसका सीधा सा बुद्धिजीवी हो आप भी समझ सकते हैं, परिवार भी ये बता सकता है, उनका सीधा 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 मतलब क्या, उनका उनका मेन मोटिव सही यही है, इनके जमीन नाम आ जाए तो शायद हमारा जो एग्रीमेंट करवा रखा है, हमारे ये जमीन हमारे नाम आ सकती है फिर, ठीक है। उनका मेन मोटिव है जमीन से, उनको और कोई मतलब नहीं है। उससे एक बार पूछा भी गया था, उन्होंने नोटिस दिया था, भी इकट्ठे भी थे परिवार में, पूछा भी तुमने कब पैसे दिए, कितने दिए, कहाँ से दिए, कोई अकाउंट स्टेटमेंट तुम्हारे पास है, कोई चेक है, ठीक है। अब जो उन्होंने कुछ भी मतलब उसका वो मतलब क्लियर जवाब नहीं दे पाए परिवार में, ठीक है। फिर मतलब आपको पता ही है जो कानून दाव पे चलते हैं वो चल रहे हैं अभी, और कुछ नहीं है। तो वास्तव में ही समस्या काफ़ी विकट है, अगर इन्होंने दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे ये दोषी हो चाहे अगला दोषी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी रजिस्ट्री घोटाला हरियाणा में नंबर एक पे उजागर हुआ है, जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होती हैं फर्जी, वहाँ पे अरबों खरबों रुपए का घोटाला है। तो वास्तव में अगर इस तरीके से ये फर्जी डिग्री, फर्जी ये संबंध भिजवाना एक मंदबुद्धि के नाम से, उसको प्रताड़ित करना उस परिवार को, तो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्री होती है, जो घोटाला हुआ है, तो ये हो सकता है, क्योंकि इनके साथ भी ये इस तरीके से अगर हो रहा तो वो वास्तव में सही है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, अगर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये इसका बेचारा ये गरीब परिवार है, ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा, और माता जी इनकी मंदबुद्धि है, और ऊपर से इस तरीके से कोर्टों के चक्कर मतलब काट काट के थक चुके हैं, खुद की ज़मीन के लिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जो ये ज़मीन है ये ऑलरेडी इनके आ चुकी है, अब ये माता जी को परेशान किया जा रहा है। हाँ, माता जी को परेशान किया जा रहा है, कोर्ट में लेके माता जी को जज के सामने खड़े होगी, इनके नाम से संबंध काटे जा रहे हैं, आप देख लीजिए किसके नाम से संबंध काटे जा रहे हैं। हाँ, वो तो सर अब कानूनी कार्रवाई चल रही है ना, अभी जाएंगे, अभी कोई डेट होगी उस पर भी जाएंगे, ऐसा भी करेंगे, ऐसी बात कानून लड़े तो हम भी लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसका सब सारा पक्ष उसका ही होगा, उन्होंने नोटिस दे दिया उसका जवाब भी देंगे, वो सारा काम होगा। लेकिन एक समाज में मतलब इस तरह की दुर्भावना, इस तरह का जो जा रहा है सिस्टम है, उसको देख के आप ये बताओ ये सही है क्या? तो आप क्या कहना चाहिए, आप देख लीजिए गाँव गुआंड कहीं भी तसली कर लो चाहिए इसकी, तो जो सच्चाई है वो चाहो हम तो जी, हम इन झूठ नहीं चाहिए जी 1% भी। आप भी देख सको मेरे माता 18 लाख रुपया ले इसके क्या, इसने आप ही रुपया देख लो या गिन के बता देगा आपने क्या रुपया है, तस्वीर है आपका सामने, हाँ मैं झूठ नहीं चाहिए बिल्कुल। आप क्या लगती मेरी भाभी लगे
बुढ़ापा पेंशन की विधवा वाली तो उसने बेटो लिया सू नहीं फिर लिया सकना लिया सदरना भी कौन आऊँ इसने लिया भी कौन आऊँ देना भी कौन आऊँ बुढ़ो ले कि न रुपया तो किसी ने मेरे वर्ग आ जाए तू पकड़ के दवा वे अकन दे दे इस तो इसने कौन बिरो अकन देना अस ये बुढ़ो देखो हाथ मेरे ने को इसने दे दे जे दवा वे इसकी तो दिमाग को नहीं है बेटी कोई को नहीं अक तेरे बेटी सही एक बालका किसी ने सोधी कौन तेरी बेटी का भाई सारी चीज चाहिए सागी सर पर आदर दे बूझ ले दुख सुख की तो दिमाग काम तो को नहीं करा इसको किस हालत में भी को नहीं करा हाँ ये जो है ये क्या लगता है ये मेरा पिताजी लग गया जी क्या नाम है इसका शोकरण क्या कहोगे जी जी क्या कहोगा ये दिमाग से फैल रहा है फैल दो नहीं हो रहा और वो कुप्रम कर रहा है सारा वो क्या नाम है टाबर छाना हो तो वास्तव में ही सोचने वाली बात जी आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं सर कार्रवाई तो कानूनी कार्रवाई भी करना चाह रहे हैं मतलब ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मेंटली डिसऑर्डर है ये ठीक है और किसी धोखाधड़ी से केस में तो इसमें दम नहीं है ऊपर से आप जिन्होंने आप पे केस डाल रखा है उनकी सजा डेफिनेटली इस आधार पे होगी क्योंकि मंदबुद्धि के साथ उन्होंने इनके सामने नोटिस निकलवा दिए तो ये तो डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय नहीं है उनको 420 का केस कई धाराएं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है तो सर क्या करेंगे हम तो एविडेंस पेश कर सकते हैं कोर्ट में कानून की जो लड़ाई वो लड़ सकते हैं कोर्ट में कोर्ट को तय करना है कि वो कहाँ तक मतलब क्या देखता है ठीक है एविडेंस दे सकते हैं एविडेंस के आधार पर कोर्ट करेगा वो सारा सही करेगा निष्पक्ष जांच करेगा हमें भी इस चीज़ का पता है ठीक है और रही उसके बाद जो कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है मान आने की हरासमेंट की जो कुछ भी है ठीक है वो बाद में हम कार्रवाई डाल देंगे ठीक है अब मेन मोटिव ये है हमारा भी पहले तो इस चीज़ को इसका सोल्यूशन किया जाए इस केस को सॉर्ट आउट किया जाए किसी तरह से ठीक है कानून इसकी तरफ देखे सरकार इसकी तरफ देखे और इसको मतलब जो दोषी है उसको दोषी जो निर्दोष को कार्रवाई की जाए पूरी बस ठीक है ये इनको इनका आए हुए हैं इनके नाम से हाँ हाँ ये सम्मान आए हुए हैं कैमरे में थोड़ा सीधा करके दिखा दीजिए आप हाँ सर ये सम्मान आए हैं कुलदीप एज 47 सन ऑफ सुखानंद सन ऑफ श्री सुल्तान रेजिडेंस किसकंदा तहसील बाड़ा चरखी दादरी ने ठीक है वर्सेज किसको सम्मान किया है श्रीमती बतेरी देवी वाइफ ऑफ सन ऑफ श्री वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र सिंह सन ऑफ श्री शोकरण ये इनके राजेंद्र की वाइफ इनकी माता जी इनके नाम सम्मन यानी कि पागल आदमी को मधुबुद्धि को सम्मन भेज हाँ पहले इनके साथ धोखाधड़ी की अब उनको सम्मन भेज के परेशान करें उनको नहीं सर ये नहीं पता खाया कैसे जाता है टॉयलेट कैसे जा जाता है पेशाब कैसे किया जा सकता है उनको ये तो इतनी तक सौदी नहीं है और उसके नाम सम्मत आ रहे हैं ये हालांकि सर उनको पता है भी इस चीज़ का क्योंकि 50 साल से वो यहाँ रह रहे हैं उनको इस चीज़ का पता अच्छी तरह से मतलब इनकी मेंटली सिचुएशन कैसी है ठीक है आप इनका मेडिकल करवा सकते हो ठीक है किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कहीं भी करवा सकते हो जो भी मेडिकल कॉलेज है इंस्टीट्यूट है कहीं भी आप मतलब चैलेंज करते हैं इस चीज़ को ठीक है कितनी मेंटली डिसऑर्डर है ठीक है और उसके इनके खिलाफ उन्होंने सम्मन भेजा उनको तो पता था इस चीज़ का भी मंदबुद्धि है जानबूझ के मतलब वो कर रहे हैं ठीक है उनको पता होते हुए भी 50 साल से समाज को पता है परिवार को पता है ठीक है और रिश्तेदार को सबको पता है मतलब ये मेंटली डिसऑर्डर है ठीक है फिर भी मतलब इनके लड़का है उस मतलब उस चीज़ का नाजायज फायदा उठा रहे हैं इनको हरासमेंट कर रहे हैं इनको इनके अक्षे इनका अक्षे छीन रहे हैं बच्चों का ठीक है ये कहाँ जाएंगे फिर ये बताओ वास्तव में एक विचारणीय बात है और चिंतनीय मुद्दा है आपने कभी सुना नहीं होगा मंदबुद्धि के नाम से कोर्ट से नोटिस आ जाए जो पागल आदमी है जो मंदबुद्धि है वो इनके खिलाफ सम्मन भेजे जाएं ये एक हंसी वाली भी बात है और चिंता भी है दुख भी होता है कि किस तरीके से समाज की मानसिकता सिड़ चुकी है जड़ लग चुका है लोगों के दिमाग में और थोड़ी बहुत कसर रह जाती है हमारे यहाँ कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो पूरी कर देते हैं तो मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूँगा
इस मामले को लेके दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि इस तरीके से समाज में और किसी के साथ ना हो और किसी के साथ इस तरीके से उन्होंने इतना प्रताड़ित ना झेलना पड़े, दर्द गदरी ठोकरें ना खानी पड़े, कई लोगों को शिक्षा लगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।